हेलो गाइस, वेलकम टू एजा। आज फिर एक न्यू टॉपिक के साथ मैं आ गई। 7 अफोर्डेबल काजल। काजल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? उसका कलर, उसका पिगमेंटेशन, वो कितने टाइम तक स्टे करता है, स्मच होता है कि नहीं, वाटरप्रूफ है कि नहीं, सभी कुछ हम लोग जानेंगे है कि नहीं। बट सबसे बेस्ट चीज़, अंडर 500 रुपीज़। फेस्टिव सीजन आ रहा है, हमें अच्छा दिखना है, काजल के बिना मेकअप इनकम्प्लीट है। सो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेस्ट काजल, इवन सेंसिटिव स्किन कैन यूज़ इट। सेंसिटिव स्किन पे क्या होता है, सभी काजल नहीं जाते, इरिटेशन होने लगता है, आँखों में जलन होने लगती है, रेडनेस आ जाता है, पानी आने लगता है, वाटरी आइज़ जिन्हें बोलते हैं। वाटरी आइज़ पे बहुत सारे काजल होते हैं जो स्टे नहीं करता है, क्यों? उनका जो आईलिड होता है वो थोड़ा ऑयली होता है, तो उस पर ज़्यादा देर तक काजल स्टे नहीं करता है। बट इस वीडियो में जितने भी काजल जानेंगे सभी बहुत लॉन्ग लास्टिंग हैं, जो कोई भी आइज़ के लिए अच्छा है। फर्स्ट हमारा आता है मेबलिन न्यूयॉर्क का कोलोसल काजल। कोलोसल काजल सभी जानते हैं कितना फेमस काजल है और ये कितना अच्छा है। बट इसमें जो सुपर ब्लैक है, इसका जो कलर है बहुत ज़्यादा डार्क है, जो बहुत अच्छा दिखता है आँखों पे। सेकंड हमारा आता है प्लम का। प्लम का काजल बहुत अच्छा है, ये वाटरप्रूफ है, स्मच प्रूफ है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। ये आप एक बार लगाओगे बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। इवन द पिगमेंटेशन इज़ टू गुड। इसका स्मूथनेस है, बटरी सॉफ्ट है, जो आँखों पे आपको फील होगा जो कितना सॉफ्ट है, बटर जैसा लगा रहे हो, ऐसा नहीं, थोड़ा भी नहीं लगेगा, जो पेंसिल थोड़ा भी हार्ड है। आपको ये यूज़ करने के बाद बहुत अच्छा लगने वाला है। नेक्स्ट हमारा आता है नायका का काजल। नायका का काजल बहुत अच्छा है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, और क्या चाहिए आपको, बजट फ्रेंडली भी है। और नायका का जितना भी काजल होता है सब सेंसिटिव आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट हमारा आता है लॉरियल पेरिस का काजल, जो कि बहुत अच्छा काजल है, डार्क है, बोल्ड है, पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन ई है, जो कि बहुत अच्छा है आपके आइज़ के लिए, ड्राई नहीं होगा, स्मच नहीं होगा। विटामिन ई है तो इससे आप ये मत समझिएगा ये स्मच हो जाएगा, ये स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। इसका जो पिगमेंटेशन है वो भी बहुत अच्छा है। लोटस का भी जो काजल है, इसका भी पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है। अब जितने भी काजल देख रहे हो इस वीडियो में, सब वन ऑफ द बेस्ट काजल है। इसमें से आपको जो भी लेना है आप आँख बंद करके ले सकते हो, इसलिए नहीं जो मैं बोल रही हूँ इसलिए आप आँख बंद करके ले सकते हो। सब टेस्टेड है, सब डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, सभी बहुत अच्छे हैं, बजट फ्रेंडली भी है, तो आप जो भी ले के बेस्ट होगा। कोई भी नहीं है जो ये अच्छा नहीं है कि वो अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है फेसेस कैनेडा का काजल। ये आप स्मोकी आइज़ के लिए बहुत अच्छा है, क्यों, पीछे में स्मचर दिया हुआ है, स्मच कर सकते हो बहुत अच्छे से, और ये फैलता नहीं है। स्मच करने का मतलब ये नहीं है जो फैला दे रहा है, वैसा नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन और मैट लुक आता है, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है शुगर कॉस्मेटिक्स का काजल। इसमें जो हैं बहुत सारे कलर वेरिएशंस अवेलेबल हैं। इसी में नहीं, जितने भी काजल आपने देखा है सब में डिफरेंट कलर अवेलेबल है। अगर आपको फंकी लुक ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। ये भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ है, स्मच प्रूफ है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। और जितने भी काजल हैं, जो भी हम लोग काजल अप्लाई करते हैं इसलिए अप्लाई करते हैं कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो। अगर हम लोग सुबह में कर रहे हैं तो रात तक हो, अच्छे से जब हम लोग रिमूव करने जाएं तो अच्छे से रिमूव भी हो जाए। ऐसा नहीं जो वो लगा है तो वो रिमूव होना ही नहीं चाह रहा है हम लोगों को, वो ऐसा नहीं चाहिए। हम लोगों को डेली यूज़ करना है तो डेली के लिए उतना केमिकल हम लोग यूज़ नहीं कर सकते और ना यूज़ करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।